Hello, hi, namaste everyone. Hello, I am Ameya Wadegaonkar. I am Anuja Wadegaonkar. And welcome to the last episode of Enchanting Kerala. We hope you must have seen the last or the previously uploaded 5 videos of the same series. और अगर आपने वो लास्ट 5 वीडियो नहीं देखे हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने 5 वीडियोस की लिंक दे दी है, आप जाके वो सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं और बाद में देखिए लास्ट एपिसोड ऑफ एंचेंटिंग केरला. So he is the one behind the camera and she is the voice over of all our seeds. So if you liked our videos, then give it a like, subscribe to our channel and share it with your family and friends. Thank you. Thank you. Now you can watch the video. हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द डे 6. और सुबह हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं बोट के डेक पर और वहां से हमने एक्सपीरियंस किया एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज. सो दिस वाज द व्यू इन द मॉर्निंग. एंड देयर आफ्टर वी टुक द ब्रेकफास्ट, एंजॉयड द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में उस दिन के लिए था हमें ब्रेड, बटर, जैम और गर्मा गर्म इडली विथ सांबर एंड नारियल वाली चटनी. और ये और डिलीशियस हो गया क्योंकि साथ में था एक बहुत ही ब्यूटिफुल व्यू. और हम चले इन यादों को समेटे हुए चेकआउट की ओर. सो चेकआउट कर लिया हमने, उसके बाद हम एलपी एक्सप्लोर करने के लिए निकले. तो वहाँ पर हमने एक टेंपल विजिट किया, इट वाज अ साउथ इंडियन टेंपल और आर्किटेक्चर इसका काफ़ी अच्छा था. द कॉलम्स, द रूफ, द पैटर्न ऑफ द फ्लोरिंग, सब कुछ हमें आर्किटेक्चर के जो हिस्ट्री के लेसन्स थे उसकी याद दिला रहा था. एंड द आर्किटेक्ट्स कैन रिलेट टू इट. और स्पेसेस काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर. ये काफ़ी मतलब ऐसा कुछ एंशियंट टेम्पल या ऐसा कुछ नहीं था, ये मॉडर्न काइंड ऑफ ही था. बट जो फीचर्स होते हैं साउथ इंडियन टेम्पल के सारे हमें यहाँ पर देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिले. And thereafter, we headed towards St. Francis Church in Fort Kochi. It was built in the year 1503 and it is one of the oldest European churches in India and has a great historical significance, and it is also a mute witness of European colonial struggles in the subcontinent. और यहाँ पर जो वॉल्स थी, रूफ था, इट वॉज वेरी कलरफुल. जो रूफ था वो पूरा का पूरा वुडन मटेरियल में था और इवन रूफ पर भी कुछ पेंटिंग्स थी, कुछ स्ट्रगल्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पे डिपिक्ट हो रही थी. और फिर जो चर्च के फीचर्स होते हैं वो सारे यहाँ पर पे थे. और कन्फेशन बॉक्स वॉज ऑल्सो देयर. क्योंकि हम बिजी आवर्स में नहीं आए थे तो हमें काफ़ी शांत मिली ये जगह एंड वी स्पेंड सम टाइम हियर. टुक द एक्सपीरियंस ऑफ द स्पेस एंड देन
निकल गए हम आगे की तरफ। और इसके बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन पहुंचे। ये एक डॉकिंग यार्ड था, काफ़ी बड़ा डॉकिंग यार्ड था, और यहाँ पर हमें देखने मिला चाइनीज फिशिंग नेट। हमें फिशिंग करते हुए तो नहीं देखने मिला क्योंकि इट यूजुअली हैपेंस इन मॉर्निंग आवर्स, बट वो नेट कैसी होती है वो चीज़ें हमने वहाँ पर पे देखी। और कुछ वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकले अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था मट्टनचेरी एरिया। फोर्ट कोच्चि में ही था ये एरिया, और यहाँ पे हम पहुँचे डच पैलेस की तरफ। ये जो पैलेस है, यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हमें देखने मिली, बट जो हिस्टोरिकल चीज़ें देखने मिली उसके साथ ही साथ द आर्किटेक्चर विच वॉज देयर इन दिस पैलेस वॉज अमेजिंग। Next to Dutch Fort was Jiu Town, which is situated at Mattancherry in Fort Kochi and is famous for its antique shopping avenue and is a favorite haunt of antique hunters. So वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी। The most pristine and historical relevant artifacts were there and made be a huge bronze vessel or some jewelry piece or some spices. The street was mix of everything that a visitor looks in. जैसे जैसे हम आगे जाते गए हमें एक एक नई 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 चीज़ें दिखती गई, जैसे कि ये था हेरिटेज आर्ट सेंटर, और वहाँ पर हमने देखा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोट इन दिस एरिया। ये यहाँ पर डिस्प्ले की हुई थी, और कुछ पुराने स्कल्पचर्स, कुछ पेंटिंग्स, सारी की सारी एंटीक चीज़ें यहाँ पर पे डिस्प्ले में थी। और क्योंकि ये इंडिया है तो ज़रूरी नहीं कि साउथ की चीज़ें नॉर्थ में या नॉर्थ की चीज़ें साउथ में नहीं मिलेगी। सो हम नेक्स्ट जो गए वो था कश्मीरी एक शॉप, जहाँ पर पे हमें पश्मीना धागों से बनी हुई क्लोथ्स और कुछ एंटीक वॉल हैंगिंग्स या इस टाइप की चीज़ें देखने को मिली। और फिर एक जस्ट एक लुक ले लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा डॉकिंग एरिया है, वहाँ से क्या लुक आ रहा है। और जू स्ट्रीट में हमने कुछ वन और वन एंड हाफ आवर स्पेंड किया, उससे ज़्यादा एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं था। और फिर ऐसे कुछ एंड होती है हमारी जू टाउन स्ट्रीट की विजिट। So our next destination was hot chips की दुकान। वहाँ पर जो हमने देखा कि continuously different different flavors के chips they were making। पहले हमने टेस्ट किया हर कोई चिप्स, उसके बाद कुछ चिप्स हमने वहाँ से buy किए। चिप्स थे वहाँ पर, कप्पा था, उसके बाद कुछ स्वीट्स थे जिसे कि वो हलवा कह रहे थे, different flavored हलवाज were there, वो भी हमने टेस्ट किया और हमें जो जो पसंद आया वो लिया। और हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट, अब हम यहाँ पे चेक इन करने वाले हैं एयरपोर्ट के अंदर।
सिक्योरिटी चेक एंड ऑल दोज फॉर्मेलिटीज़। और क्योंकि हम जब कोच्चि पहुँचे थे तब हमें निकलने का टाइम मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो अभी जो टाइम था वो उस टाइम में हमने एक्सप्लोर किया एयरपोर्ट को। सो यहाँ पर भी एयरपोर्ट में केरला का आर्ट एंड कल्चर डिस्प्ले किया हुआ था। इसके बाद हमारा कोच्चि को या केरला को बाय बोलने का टाइम पास आता गया। सो निकल चुकी है फ्लाइट। हियर एंड्स द सीरीज और द एपिसोड नंबर 6 ऑफ एनचैंटिंग केरला। इफ़ यू लाइक द सीरीज शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।